चाचा रोड से जा रहे, मैंने इनसे पूछा अंकल एक बात बताएं, इतनी रात को अभी साइकिल लेके कहाँ से आ रहे हो? अंकल बोलने बेटा मैं जॉब करता हूँ होटल पे ना, तुम आते छुट्टी हुई है, मैं साइकिल लेकर आ रहा हूँ, मैंने दोपहर में खरीद ली थी। तो मैंने अंकल कितने की ली? बोले ये मत पूछो कितने की ली, ये पूछो कितने टाइम में ली। मैंने अच्छा अंकल कितने टाइम में ली? अंकल कह रहे हैं बेटा मेरे को कम से कम 4 महीने हो गए। मैंने अच्छा, मैंने अंकल ये तो सस्ती साइकिल लग रही। बोले बेटा मेरे लिए बड़ी महंगी है ना ये, मैंने 200-500 रुपए 1000-1000 रुपए करके पैसे जमा करें, कभी कोई मसला आ जाता था कभी कोई, अभी भी मेरी गाड़ी का वेट आवाज कर रहा है, मतलब इंजन खराब होने को आ गया। अंकल ने कहा बेटा इस बार मैंने इंजन को छोड़ा क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियां ज्यादा जरूरी थी। मतलब यार 2-2.5 बजे अंकल अपनी बच्ची की खुशियां लेकर आ रहे हैं, अभी वो सुबह उठ के देखेगी कि मेरा बाप यार मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है यार। मतलब सलाम ऐसी हस्ती को यार जिसे बाप कहते हैं यार। मर्द बहुत अच्छी चीज है, उसको समझने की कोशिश तो करो, हालातों से लड़ रहा है यार, उसको कोशिश तो करो। बाप के रूप में है तो बच्चों का ख्याल रख रहा है, खुशियों का ख्याल रख रहा है। लड़का वाकई कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करता, एक चप्पल तक नहीं खरीदता ईद के ऊपर यार, वो सोचता है बस अपनी बीवी को एक अच्छे से कपड़े दिला दूं, अपने बच्चों को दिला दूं, मेरी खैर है, मैंने जो पिछले साल पहने थे यार वो एक बार ही तो पहने, दोबारा पहन लूंगा यार। भाई के रूप में बहनों का ख्याल रखता है यार कि मेरी बहन की बर्थडे आ रही है उसको आईफोन दिलाऊंगा, साला खुद नोकिया पुराना यूज कर रहा होता है। सलाम है यार ऐसे मर्द वाली हस्ती को यार, सलाम है यार।